हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं देवसेना से इंस्पायर्ड ये वाला मेकअप लुक, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलिए इस लुक को क्रिएट करना शुरू करते हैं। गाइस, हमें अपने फेस को प्रेप करने के बाद यहाँ पे प्राइमर का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे NYB की पोर ब्लरिंग प्राइमर को यूज़ किया है। इसके बाद मैं यहाँ पे इनसाइड की लिक्विड फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा मीडियम कवरेज देता है, तो लाइट मेकअप के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इस फाउंडेशन को वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से अपने फेस पे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हमने कंसीलर को अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ एंड हाफ की HD प्रो कंसीलर को अप्लाई किया है और सेम ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। तो कंसीलर की ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि इससे ये क्रीज नहीं होती है। इसके बाद हम इसे सेट करेंगे अपने ब्लू हेवन के लूज पाउडर के साथ में। तो ये पाउडर मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक आपके स्किन पे मैटिफाइंग लुक भी देता है और आपके कंसीलर को और फेस को अच्छी तरह से सेट भी कर देता है। तो इस कंसीलर को हमने पाउडर से सेट कर लिया है। इसके बाद हम अपने स्विस ब्यूटी के आईब्रो किट से ये मीडियम टू डार्क ब्राउन शेड लेके उससे अपने आईब्रोज़ को अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं निंजा हथौड़ी बन के अपने पैलेट में से लाइट ब्राउन शेड लेके इसे अपने ट्रांजिशन पे बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करूँगी, जिससे कि हमारे क्रीज पे एक लाइट सा डेप्थ आएगा और एक कलर बिल्ड करेंगे हम। इसके बाद सेम पैलेट में से ये पिंक शेड लेके उसे हम अपने पूरे लिड्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। गाइस, हमने यहाँ पे ये लाइट पिंक शेड लेके इसे अपने लिड्स पे अच्छी तरह से प्लेस कर लिया है। इसके बाद सेम पैलेट में से ये शैम्पेन शेड लेके उसे थोड़ा सा अपने लैश लाइन के क्लोज अपने फिंगर से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे अपने आईलाइनर को अप्लाई किया है। मैंने यहाँ NYB के स्काई लाइनर को अप्लाई किया है। काफ़ी नॉर्मल सा लाइट सा विंग आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद हम अपने काजल को अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे L18 के काजल को अप्लाई किया है। इसे आप अपने वाटर लाइन पे लगा के हल्का सा बहुत सॉफ्टली इसको स्मज कर देंगे और अपने अपर लैश लाइन को भी आप टाइट लाइन कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्रिसीजन मस्कारा अप्लाई किया है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है। काफ़ी अच्छा आपकी आई लैशेज को लेंथनिंग लुक देता है। मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई करी हैं ऑफ कैमरा। इसके बाद मैं सिवाना के चिकन कॉन्ट्रोल पैलेट से ये ब्रॉन्जिंग शेड लेके बहुत सॉफ्टली इससे अपने फेस को ब्रॉन्ज लुक दूंगी। सेम पैलेट में से मैंने पिंक शेड लेके इसे एज अ ब्लश अप्लाई किया है। इसके बाद हमने लिक्विड के लिए हुडा ब्यूटी की लाइट पिंक कलर के शेड को, जो कि देवसेना ने अप्लाई कर रखा था उस पिक्चर में, हमने वैसा शेड लेके उसे लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। सो गाइज, हमने लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने अपने ग्लैम 21 के पैलेट से ये लाइट पिंक शेड लेके इसे अपने फेस को लाइटली हाईलाइट किया है, क्योंकि फेस पे हाईलाइट काफ़ी अच्छा लगता है और इस लुक के साथ काफ़ी ये रॉयल टच भी देता है। सो गाइज, हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने अपने ज्वेलरी के साथ ये मिनिमल मेकअप किया है और सेम कलर की साड़ी और ड्रेस को वेयर किया है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सो गाइस, ये लुक काफ़ी इजी टू क्रिएट है। आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे इसको क्रिएट करने में और काफ़ी अच्छा ये लुक देगा। तो आप इसको वेडिंगेस्ट मेकअप की तरह भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।